नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट और योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है, तो कहाँ पर यह भर्ती निकली संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये भर्ती निकली है कंप्यूटर ऑपरेटर एमपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इंदौर में। यह भर्ती निकली है दोस्तों, केंद्र उद्यमिता विकास मध्य प्रदेश शासन का अनुबंध है दोस्तों, इसमें अनुबंध है। तो चलिए हम जान लेते हैं इस के बारे में। तो यहाँ पर हम मध्य प्रदेश का उद्यमिता विकास केंद्र जिसे विश्व स्तर पर CEDMAP के नाम से जाना जाता है, पिछले 3 दशकों से लगातार अविश्वसनीय रूप से काम कर रहा है। इस संगठन ने एक ऐसी मेहनत और महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता में एक मानक स्थापित किया। शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो टाइपिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, PGDC या कोई अन्य कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। विभाग का नाम कौन सा है? एमपी वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इंदौर। और नौकरी का पद कौन सा है? इसमें कौन से पद पर आपको जाना है? तो इसमें पद रहेगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। कुल पदों की संख्या अगर हम बात करें तो टोटल 2 पद की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। योग्यता की अगर हम बात करें तो अभी जैसे हमने बताया आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट के साथ साथ स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, PGDCA DCI अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। कार्य का अनुभव अगर हम बोले तो आपको 1 से 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। आपको काम वहां पर क्या करना होगा दोस्तों? तो MS Word हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करना होगा आपको, MS Excel और पावर पॉइंट में टाइपिंग करना होगा, डाटा एंट्री कार्यालय कार्य और फाइल प्रबंधन आपको काम जो है वो करना होगा। प्रमुख कौशल आपके कौन कौन से होने चाहिए? तो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग, लघु लेखक कौशल होना चाहिए। जगह कहाँ पर है? तो MP वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इंदौर में है। वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन कार्यालय कलेक्टर दर के अनुसार आपको दिया जाएगा। वो कार्यकाल मतलब अनुबंध पर हम कार्य कर रहे हैं तो इसका कार्यकाल कितने समय का होगा? प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अगर आपने अच्छा कार्य किया, आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको रखा जाएगा, वरना आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल मतलब अनुबंध कितने साल का होगा तो वो कोई निर्भर करता है आपके कार्य के ऊपर। शामिल होने की तिथि क्या है? तुरंत, जैसे आप आवेदन करेंगे अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये सही लगी तो आपको विभाग तुरंत रिप्लाई दे देगा। ठीक है, अब इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है? इसमें आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं देना है, आप डायरेक्ट इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दी जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। मेरी दिलचस्पी है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने स्वतः भरण पोषण यहाँ पर आपको दी जाएगा, भरण विकल्प के साथ कुछ ही सेकंड में अपना बायोडाटा CV अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिज्यूम है उसे अपलोड कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, मिस्टर मिसेस जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, यहाँ पर आपको उपनाम लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल ID जरूर से लिख देना है ताकि आपको तुरंत यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया जा सके। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना है, उसके बाद वर्तमान पता जो है वो आपको लिख देना है, पसंदीदा स्थान आपका कौन सा है वो लिख देना, आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है वो लिख देना, आपको कौशल सेट क्या है, कौशल सेट क्या है वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौशल सेट क्या है। ठीक है, और व्यावसायिक विवरण की अगर हम बात करें तो कुल अनुवर्ष कार्यों में कितने वर्ष का आपको कार्य किया है, आपने कितने वर्ष का आपको अनुभव है, और कितने वेतन मिलता था, अपेक्षित वेतन क्या हो सकता है, नोटिस की अवधि, आप कितनी जल्द शामिल हो सकते हैं मतलब आप कितने दिनों में इसमें आप जॉब करना चाहते हैं लॉजिस्टिक में, उसके बाद अनुग्रह जानकारी फिर शुरू करें, ब्राउजर पे आप सर्च कर सकते हैं, कैप्चर फिर कर देना आपको। ठीक है, ब्राउजर पर आपको कैप्चर दिखेगा, उसे आपको ठीक है जो नीचे कैप्चर है उसे कैप्चर फिल कर देना और आवेदन आपको जमा कर देना है। इसके बाद अगर जैसे ही जिस विभाग के पास जैसे ही आपका आवेदन जाएगा, अगर आपको उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी सही लगा तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स दी जाएगी। एंड दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो इस पर जो भर्ती निकलती है वो एकदम आप अपने ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपके विभाग में या आपके कोई है, आपका शोरूम वोरूम में कुछ भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जॉब भी अपडेट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको 1 भी रुपए चार्ज नहीं लगता। कंप्यूटर ऑपरेटर हो या कोई से विभाग में भर्ती हो, अगर इसमें आप अपडेट है तो इसमें 1 भी रुपए चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपको जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।